क्योंकि हम जानते हैं कि x प्लस वाई की घात 3 बराबर होता है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3 एक्स वाई गुणा एक्स प्लस, ठीक है। तो ऐसा करो, x की घात 3 पर y की घात 3 का मान बताओ। ये हो गया, ये प्लस वाला पद अगर मैं इधर भेज दूं, प्लस वाला पद अगर मैं इधर भेज दूं, या फिर इसी सूत्र को मैं ये ना लिखे मैं ये लिख दूं, मैंने कहा ना सूत्र दोनों तरफ काम करते हैं। तो आपने ये मान लिखा है इसका x की घात 3 पर y की घात 3 x y / x + y बराबर x + y की घात 3, ये वाला सूत्र लगाया मैंने ये, और यहां से x की घात 3 पर y की घात 3 का मान निकाल दिया, कितना आया ये प्लस वाला इसका माइनस है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमें जो मान निकालना है वो इसका निकालना है, ये आ जाएगा आपके पास x की घात 3 पर y की घात 3 का मान, ये आ जाएगा x प्लस y की घात 3 माइनस 3xy गुणा x प्लस y माइनस 3xyz प्लस z। मैंने क्या किया, xyz पहले लिख लिया और z क्यों बाद में लिख दिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका मैंने मान रख दिया x की घात 3 पर y की घात 3 का, ये लिखा हुआ है मान, ये मान उठाकर मैंने इसकी जगह यहां इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तीन भी कॉमन आ रहा है, एक्स भी आ रहा होगा, क्यों और कॉमन ले लेते हैं माइनस का, इन्हें क्या बचेगा एक्स प्लस वाई, और माइनस कॉमन लिया इससे प्लस हो जाएगा, 3xy कॉमन आके क्या बचेगा, ठीक है। प्लस कितना है, जेड क्यूब को इसके साथ एक्स प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई। अब ये वाला जो सूत्र हमने लगाया है, ये सूत्र क्या कह रहा है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, वो कह रहा है दोनों को जोड़ दो, ये तो कह रहा है हमारे पास ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 क्या करेगा, ये दोनों को जोड़ दे, फिर अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले वाले का वर्ग, जहां पे x लिखा है वहां पे क्या लिखा है हमारे पास x प्लस y का वर्ग, ऐसे देखो ना जहां x लिखा है हमारे पास यहां पे कौन लिखा है उसकी जगह, जो जो काम जहां जहां x कर रहा है वो काम कौन करेगा यहां पर, तो पहले का वर्ग लिखा है फिर दूसरे का वर्ग, दूसरा वाला कौन है z, z का वर्ग, उसके बाद इसका उल्टा निशान माइनस z हुआ कितना और बाद में कौन लिखा हुआ है, ये वाला मान ऐसे लिखा रहेगा, अब आप ये देखिए x प्लस y प्लस z दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो, अब अंदर क्या बचा, x प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड और माइनस 3x, क्यों एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरा पद था एक ही था, इन दोनों में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल देंगे, कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका सूत्र है प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस 3। तो फाइनली हमारे पास जो सूत्र आया वो सूत्र यह है एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड माइनस 3 एक्स वाई जेड क्या आया, और ये है माइनस 3xy, 3 में तो 2 घटेगा 1 आएगा और 3 बड़ा उसका निशान आएगा,
माइनस इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो ZX. ये आपके पास इतना बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा. ये सूत्र आपको याद है, ठीक है, नोट करो.